हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी, एडी बी एंड सीएफ बी द मीडियंस वेयर ई एंड एफ आर एट 3.4 एंड 1.2 रेस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज जी 3.2। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। चार ऑप्शन हमें गिवन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमारा क्या होगा। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। इसके मीडियन है ए डी, ये मीडियन है इसका ए डी, फिर है बी ई, और इसको हम अच्छे से बने ड्रॉ कर लेंगे ए डी बी ई एंड सी एफ, बी ई सी एफ ये मीडियन। ई के कोऑर्डिनेट क्या है 3.4, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है 1.2, ये हमारा है डी। ये क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल जी होगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेट सपोज डी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3 कोमा y प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3। और ये जो सेंट्रोइड है ये कितना है 3.2 है, तो 3.2 हमारा किसके इक्वल है, x प्लस 4 अपॉन 3 कोमा y प्लस 6 अपॉन 3, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। x प्लस 4 अपॉन 3 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, x प्लस 4 कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4 5 आ जाएगी, एंड y प्लस 6 अपॉन 3 किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल, एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, तो 6 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो D के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, D का कोऑर्डिनेट आया हमारा 5.0। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।